नमस्कार, मैं हूं बिलाल और आप देख रहे हैं मिसाल नेशन 24 न्यूज। और चलिए आज बात करेंगे, आज सबसे बड़ा पर्व की शुरुआत हो चुकी है। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए गए। और साथ ही आपको बता दें कि यहाँ पर मतदान करने के लिए सभी मतदाता जो है अपने घरों से बाहर निकलकर मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं। बड़ी कतारें लगी हुई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था के यहाँ पर कड़े बंदोबस्त किए। कोरोना गाइडलाइन का भी यहाँ पर पालन किया जा रहा है। सवाल ये उठता है कि आखिरकार आज जो मतदाता यहां पर अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके सामने क्या कुछ मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों के आधार पर वोट डाला जा रहा है। इस चर्चा में हम लोग आगे बढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको सुनवाते कि आखिरकार अपना वोट डालने के बाद मतदाता क्या कुछ कह रहे हैं, किस आधार पर उन्होंने अपने यहाँ पर मत का इस्तेमाल किया है। पहले हमने इस बार ही देखा कि जो बेरोजगारी है और पिछले सरकार ने काम क्या नहीं किया, कोई बदलाव चाहता है, कोई अपनी पुरानी पार्टी में लड़ रहा है, कोई नए चेहरे को मौका दे रहा है। इस बार इलेक्शन में युवा लड़का जैसा शांत हो गया, उन्होंने भी वोट किया, कुछ लोग उस पर भी विश्वास करेंगे। आपके हम ये सोच रहे हैं कि यहाँ बदलाव होना चाहिए, मेरा मानना यह है बदलाव होना चाहिए। किसी भी लोकतंत्र की बुनियाद मतदान पर ही केंद्रित होती है और उस पर ही आधारित होती है। किसी भी लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए समस्त नागरिकों का इस प्रक्रिया में, मतदान प्रक्रिया में भाग लेना न सिर्फ अनिवार्य है बल्कि लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए हमारा पुनीत कर्तव्य भी है। तो सुना आपने कि किस तरीके से यहां पर मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलग अलग मुद्दे हैं, अलग अलग मुद्दों के आधार पर जो है मतदाता अपने वोट का इस्तेमाल यहां पर कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था के भी यहां पर कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए मेरे साथ हमारे उत्तराखंड के स्टेट हेड मनीष कागरान और साथ ही हमारे संवाददाता धर्मराज मेरे साथ सीधा लाइव जोड़ रहे हैं। उनसे हम लोग यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार आज जो मतदान हो रहा है उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर हैं। मनीष, सबसे पहला मेरा सवाल आप ही से है कि इस तरीके से यहाँ पर तैयारियां की गई हैं, मतदाता कैसे अपने घरों से निकल कर वो अपने वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं? हाँ बिलाल, बिल्कुल बता दें कि ये लोकतंत्र का आज जो है ये महापर्व है और इसमें जो लोग हैं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बात करें प्रशासन की तो प्रशासन ने बिल्कुल चकाचौक व्यवस्था कर रखी है और देखा जाए तो अधिकारी सुबह से ही जो पोलिंग बूथ है उनके राउंड लगाना शुरू कर दिया है, देख रहे हैं कि किस तरह की वहां का अव्यवस्था ना हो जाए। और कोरोना गाइडलाइन में देखिए बिलाल, सबसे बड़ी बात की कोरोना जो ये चल रहा है इसके बीच में ये मतदान हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोरोना जो गाइडलाइन है उसको भी फॉलो किया जा रहा है। ये इसको देखने के लिए जो सेक्टर मजिस्ट्रेट बनाए गए हैं, यहाँ तक कि जो जिलाधिकारी जो हौर और जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हैं वो खुद पोलिंग बूथ पर जाकर के देख रहे हैं कि किसी की तरीके की जो स्थिति है वो आसमान ने न रह जाए। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है मुस्तैद है क्योंकि ये जो मतदान करवाने की जो जिम्मेदारी है ये होनी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का है, सबसे बड़ा महापर्व है। और देखा जाए तो अगर हम बात करें जो वोट डाल रहे हैं, लोग जो डाल रहे हैं उसमें भी उत्साह नजर आ रहा है, जबकि सुबह सुबह थोड़ा सा 7 बजे से जो पोलिंग हुई थी उसमें थोड़ा सा कम परसेंटेज देखी जा रही थी, पर अब परसेंटेज बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे दिन बढ़ता जा रहा है जो लोग हैं अपने घरों से निकल करके वो जो मतदान केंद्र है उनकी तरफ जा रहे हैं और अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम बात करें जिला हरिद्वार की तो करीबन बिलाल 11 बजे तक यहाँ पर 23% जो मतदान हो चुके हैं, 23% यहाँ पर जो लोग हैं उन्होंने अपने बिल्कुल, मतों का प्रयोग कर दिया है यहाँ पर। और जो लोग बिल्कुल हैं मनीष, लगातार जो है मतदाता अपने घरों से निकल रहे हैं और अपने समय लगेगा तो करीबन करीबन जैसे बिलाल दिन बढ़ता चला जाएगा तो परसेंटेज जो है वो बढ़ती चली जाएगी, पर प्रशासन मुस्तैद है बिलाल। बिल्कुल मुस्तैद है और लगातार जो है लोग भी अपने घरों से निकल रहे हैं। धर्मराज, किस तरह से जो है मतदाता मतदान केंद्रों पर पहुंच रहे हैं और वहां पर किस तरीके से व्यवस्था की गई है ताकि लोगों को भी यहां पर किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो? जी, मैं आपको बता दूं यहाँ पे प्रशासन बहुत अच्छी है, प्रशासन के साथ साथ यहाँ पे जो सेक्टर मजिस्ट्रेट है वो भी जायजा ले रहे हैं, जिससे कि यहाँ पे कोई निशानी बनी है, कोई समस्या बनी है, इसके लिए सार्वजनिक अपने नीचे मुख्य सकती। बिल्कुल, अब तक क्या कुछ माना जाए, कितना प्रतिशत मतदान अवधि तक हो चुका है और लोगों का क्या कुछ मुद्दे हैं, किस तरीके से किन मुद्दों के आधार पर जो है वोट अपना यहाँ पर डाल रहे हैं? दरअसल मुद्दों की बात करें तो मुद्दे लोगों के अपने लोगों के मुद्दे हैं कि लोगों का सबसे बड़ा बेरोजगार का मुद्दा है, बेरोजगार बड़ा मुद्दा है जिसके साथ साथ यहाँ जो मुद्दे के साथ साथ लोगों से बड़ा मुद्दा ये बना हुआ है कि कोरोना काल के बाद जो लोगों की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है
का मुद्दा है कि सबसे बड़ी रोजगार बेरोजगारी का मुद्दा है। और साथ में अगर हम आपसे बात करें यहाँ की स्थानीय जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपने मुद्दों को लेकर प्रत्याशी को चुनना चाहिए। तो लगातार जो है मतदाता अपने घरों से निकलकर अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। मनीष, सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार जिस तरीके से मतदान अब यहां पर हो रहा है, क्या कुछ मारा जाए? उत्तराखंड में एक बार फिर से इतिहास दोहराने जा रहा है कि एक बार फिर से जिस तरीके से 5 साल बीजेपी 5 साल कांग्रेस की सरकार बनती रही है, फिर से कांग्रेस वापसी करेगी या फिर कुछ और समीकरण बदलेंगे? क्या कुछ रुझान है मतदाता होगा? देखिए बिलाल, अगर हम सुबह से देखें, हम सुबह से ही पोलिंग बूथ है, सुबह 7 बजे से हम जो पोलिंग बूथों पे देखा जो मतदाता जो लोग हैं वो निकल रहे हैं। सुबह मैंने बताया जैसे कि सुबह सुबह जो लोग बाहर हुए थोड़ा सा कम निकले हैं, पर जैसे ही दिन बढ़ता चला गया तो कहीं ना कहीं जो इसकी परसेंटेज है जो लोग हैं बाहर निकल करके अपने मतों का प्रयोग कर रहे हैं। देखिए अगर बिलाल बात करें कि मन में क्या है, जो वोट डाल रहे हैं लोगों के मन में क्या है, बिल्कुल इस समय वोटर साइलेंट मूड में है, अब बताने को तैयार नहीं है। जो जो पार्टी जो कैडर वोट है वो तो कैडर वोट होते ही है, पर अगर हम बात करें उन लोगों की तो बिल्कुल साइलेंट है। तो जो इनके साइलेंट से अगर हम देखा जा रहा है, जिस तरीके से वो चुप होकर के जा रहे हैं और अपना वोट डाल के वापस आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बदलाव की स्थिति यहाँ कहीं पैदा हो सकती है। और इसकी इसका जो नुकसान है भाजपा को उठाना पड़ सकता है अगर हम बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं सुबह से लोग निकल रहे हैं और जिस तरीके से 11 बजे से तक 23% के करीब मतदान हो गया है, तो करीबन शाम के 5 बजे तक ये मतदान करीबन 70-80% के करीब हो जाएगा। जितना ज्यादा ये मतदान होगा उतना ज्यादा ही लोकतंत्र के लिए भी बढ़िया रहेगा। पर अगर हम बात करें जितना ज्यादा अगर मतदान होगा तो कहीं ना कहीं विपक्ष जो भाजपा सरकार है तो कहीं ना कहीं उनको चिंता का विषय इसमें करना पड़ सकता है, क्योंकि लोग हैं। अगर हमने देखा जितने भी हमने बिलाल जो प्रचार के दौरान हमने जो करी है, लोगों से बातचीत करी है, लोगों से पूछा है, उनके मनों तक अंदर तक जाने की कोशिश करी है, तो वोट बिल्कुल साइलेंट की तरह जो वोटर हैं वो बैठे हुए थे। और कहीं ना कहीं जब भी अगर हम बात करें साइलेंट की बात करें तो साइलेंट में कहीं ना कहीं वोटर बदलाव की स्थिति पैदा करते हैं। अगर उनका अनुमान निकाला जाए, अगर वोट साइलेंट हो गया तो करीबन इसका मतलब यह है कि वो कहीं ना कहीं बदलाव चाह रहा है। तो बदलाव देखने को मिल सकता है उत्तराखंड के अंदर, इतिहास भी रहा है उत्तराखंड का कि बदलाव देखने को। पर कहीं ना कहीं अगर हम बात करें तो इस बार जो तीसरा जो विकल्प है आम आदमी पार्टी का, उसको भी कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, उसकी कई सीटें निकलने को यहाँ पर उत्तराखंड के दे सकती है। तो ये बिलाल बहुत बड़ी, आप देखेंगे जब 10 मार्च में जब रिजल्ट आएगा तो एक कहीं ना कहीं एक एक अलग ही समीकरण बनती नजर आएगी। और जिसके लिए आप अगर हम बात करें पार्टी के लोग भी, जो पार्टी है भाजपा कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, वो भी इस चीज को जानते हैं, क्योंकि जनता जो है जनता बदलाव की मूड। देखिए सबसे पहली बात है महंगाई इस बहुत बड़ा मुद्दा रहा है, चाहे जनता ना बोले पर महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेरोजगारी का मुद्दा भी रहा है कि कोरोना काल के बाद जो स्थिति पैदा हुई है उत्तराखंड के अंदर, पूरे देश में स्थिति पैदा हुई, पर जिस तरीके सरकार ने उसको संभाल नहीं पाई है, यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि अगर उत्तराखंड की हम बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरीके से मुख्यमंत्री में परिवर्तन हुए, जिस तरह से उत्तराखंड संभाला नहीं गया यहाँ भाजपा सरकार से, तो कहीं ना कहीं जो वोटर है बिल्कुल साइलेंट मूड में है। और देखना बिलाल ये परिवर्तन वो करेंगे, परिवर्तन भी ओके रहेगा, क्योंकि अगर हम बात करें इस चीज को भाजपा भी समझती थी, इसलिए उन्होंने अपने जो मुख्यमंत्री है उनको कई बार परिवर्तन करा, कई बार चेंज करके लाया। पर जिस तरीके से धामी सरकार थी बिलाल, तो धामी सरकार ने कुछ अपने जो समय था उसमें काम करे, पर लोग तक जो सरकार वाली बात कर रहे हैं वो वहां तक पहुंचने में भी नाकाम साबित हो रहे हैं। तो उसका कहीं ना कहीं फायदा जो दूसरी पार्टियां हैं उनको मिलेगा, इस चीज का बेनिफिट मिलेगा। और आज जो लोकतंत्र है, महापर्व है, लोग घरों से निकल रहे हैं और मतदान कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं और उम्मीद ये भी जाते हैं यहाँ पर मनीष की, बिल्कुल है कि ये आंकड़ा जो है वो बढ़े, लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से बाहर को निकले। धर्मराज, अगर हम लोग बहादुराबाद की बात यहाँ पर करें तो किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह देखा जा रहा है, कितना प्रतिशत अभी तक जो है मतदान हो चुका है, और वहां पर लोगों का अगर रुझान की बात की जाए तो किस तरीके से रुझान देखा जा रहा है? इस बार
अच्छे प्रदर्शन चुनने की आगाज है, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमें रोजगार भी मिले और कहीं ना कहीं सबसे बड़ा मुद्दा घुमा फिरा के अगर हम बात करते हैं तो घुमा फिरा के रोजगार भी करा जाते हैं। इसी दौरान अगर हम बात करें आम आदमी पार्टी की, आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं बिल्कुल 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 धर्मराज, ये उम्मीद की जाती है वहाँ के जो मतदाता हैं कि ये जो आंकड़ा है वोट प्रतिशत का वो बढ़े और लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने घरों से निकलकर मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने मत का इस्तेमाल करें। मनीष, अगर बात यहाँ पर मुद्दों की जाए, जिस तरीके से कांग्रेस ने यहाँ पर मुद्दा उठाया, अगर बात हम लोग यहाँ पर मैदानी इलाकों की जाए, खासकर हरिद्वार जिले की, नशा एक सबसे बड़ा मुद्दा आ रहा है और इसको कांग्रेस ने यहाँ पर भुनाने की कोशिश की है, क्या ये काम आएगा कांग्रेस के? देखिए बिलाल, बिल्कुल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस तरीके से जो मुद्दे हैं और जो मुद्दों को लेकर के जो मतदान केंद्र पे वोट डालने के लिए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं अगर हम बात करें धर्मनगरी हरिद्वार की, तो सबसे ज्यादा हरिद्वार विधानसभा की जो सीट है वो बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है, क्योंकि इसी सीट पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, जो कि 4 बार विधायक रहे हैं, करीबन 20 साल राज उन्होंने हरिद्वार की इस हरिद्वार सीट पे उन्होंने कराया और आज 5वीं बार वो इस सीट से लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम बात करें चार जो 20 साल का में उन्होंने क्या विकास कराया है, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं जो यहाँ के जो लोग हैं उनके मन में कहीं ना कहीं वो भी ये चाह रहे हैं कि बदलाव हो। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बिलाल, कि जिस तरीके से धर्मनगरी है, धर्मनगरी में जिस तरीके से जो नशा है उसका कारोबार बहुत तेजी से बढ़ा है, यहाँ तक कि अगर हम बात करें कि जो नशा है वो जो घाट है, गंगा के घाट है, घाटों तक पहुंच गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ की जो धार्मिक जो संस्कृति है उसको धूमिल करने का भी सिस्टम देखा गया है। तो आप इस मुद्दे को जो विपक्षी पार्टियां, जो कांग्रेस होगी या चाहे आम आदमी पार्टी है, वो इस मुद्दे को जनता के बीच में और उनके उनको घर करने में कामयाब भी रही है, मैं आपको बता दूं। क्योंकि आप देखिए, अगर हम बात करें कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें या आम आदमी या दूसरे प्रत्याशियों की बात करें, तो उनके पास कोई और मुद्दे नहीं, सिर्फ उन्होंने एक ही मुद्दा लेके चले, नशा। और नशे के मुद्दे को पकड़ के वो सुर चलते चले गए और उसको भुनाने में भी कामयाब हुए हैं, मैं आपको बता दूं, भुनाने में भी। क्योंकि जिस तरीके से आप देखिए, जो शराब है वो तो एक अलग बात है, जो यहाँ पर व्हाइट पाउडर ये स्मैक है वो बिल्कुल हरिद्वार धर्मनगरी तक आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं युवाओं में जो लोगों को अपने जो बच्चे हैं उनमें भी चिंता नजर आ रही है। तो हो सकता है कि इस सीट पे भी बड़ा दिलचस्प मुकाबला देखने को मिले। आप देखिए उत्तराखंड में प्लान का मुद्दा भी देखेंगे, जब 10 मार्च को रिजल्ट आएगा तो बड़ा ही अलग रिजल्ट निकल करके आएगा। देखिए, एक तरफ तो आप पूरे प्रदेश अध्यक्ष की जो छवि है, जो उसकी इमेज है, वो दांव पे लगी हुई है यहाँ पर। तो अगर हम बात करें, क्योंकि इससे पहले भी अगर हम देखें कि जो चुनाव जिस दिन खत्म हुआ, जो 12 तारीख की शाम को, तो अमित शाह जो केंद्रीय गृह मंत्री है, वो अमित शाह का यहाँ पर दौरा रहा। और सबसे बड़ी बात यह कि जो लोगों को अमित शाह ने खुद लोगों से डोर टू डोर करके प्रचार करके मदन कौशिक के पक्ष में वोट करने की अपील करी, तो कहीं ना कहीं ये लगा कि कोई बदलाव नजर आएगा। पर वोटर बड़े साइलेंट है बिलाल, इस सीट पे वोटर बड़े साइलेंट है और बड़ा अहम सवाल ये भी है कि आखिरकार जो इस तरीके, कहीं ना कहीं हो सकता है कि बदलाव के मूड में भी ये रिजल्ट आ सकता है बिलाल। बिल्कुल, क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व भी लगातार जो है उत्तराखंड में डटा रहा, सभी वोटर्स को अपने पक्ष में करने की यहाँ पर पूरी कोशिश की गई है। धर्मराज, अगर बात यहाँ पर जो है भादराबाद इलाके की जनता की यहाँ पर की जाए, क्योंकि जिस तरीके से मैदानी इलाकों में यहाँ पर किसानों का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है, हालांकि सरकार ने कानून को वापस ले लिया, लेकिन कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के खिलाफ भी नाराजगी किसानों में देखी गई और एक बड़ा तबका जो है भादराबाद में किसानी खेती से जुड़ा हुआ है, क्या उसका असर भी इस चुनाव में देखने को मिलेगा धर्मराज? हम्म,
अहम सवाल है और अब देखना भी होगा कि आखिरकार किसानों का जो मुद्दा रहा है, गर्माता रहा वो मुद्दा, वो कितना प्रभावित इस पूरे विधानसभा के चुनाव को यहाँ पर करता है। मनीष, जिस तरीके से पहाड़ी इलाकों की यहाँ पर अगर बात की जाए, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। हर एक चुनाव में यहाँ पर जो है से पूरे मुद्दे को बनाने की यहाँ पर कोशिश यहाँ पर सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। क्या उसका भी असर जो है मैदानी इलाकों में या फिर पहाड़ी इलाकों में देखा जा सकता है, चाहे वो पलायन का मुद्दा रहा हो, चाहे वो रोजगार का मुद्दा रहा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा रहा हो? हाँ बिलाल, बिल्कुल हम बात करें, अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो पहाड़ों के अंदर, उत्तराखंड के अंदर पहाड़ों के अंदर पलायन का बड़ा ही, अब देखिए आप करीबन 21 साल के करीब उत्तराखंड का बने हुए हो गए। उत्तराखंड का निर्माण बिलाल क्यों हुआ था? उत्तराखंड का निर्माण इसलिए हुआ था, जो आंदोलनकारी थे उन्होंने इसलिए इसका निर्माण करवाया, अपनी बलिदान दिया, इसलिए दिया क्योंकि यूपी एक बहुत बड़ा क्षेत्र था जिसमें करीबन जो ये जो सुविधाएं हैं, क्योंकि सत्ता चलती थी लखनऊ से बिलाल, तो बिलाल जो लखनऊ से सत्ता चलती थी उसका पैसा या उसकी विकास योजनाएं पहाड़ों तक नहीं पहुंच पाती थी, तो इसके कारण कहीं ना कहीं ये पहाड़ का जो क्षेत्र है वो पिछड़ा हुआ था। यहाँ के लोगों ने आंदोलन करा और करीबन 2020 में उत्तराखंड का निर्माण हुआ। 2020 में जब इसका निर्माण हुआ तो इस आशा से निर्माण हुआ कि यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ का जो विकास हो, यहाँ पर रोजगार मिले, जो जो सुविधाओं से, जो विकास से वंचित रहे थे उत्तर प्रदेश के अंदर, ये उत्तराखंड, उसका कहीं ना कहीं विकास होगा। पर आपको बता दूं बिलाल, 21 साल का उत्तराखंड हो गया, जवान हो गया उत्तराखंड, फिर भी इसके अंदर आज इसका विकास नहीं हो पाया। आज भी मुद्दा वही है, पहले भी मुद्दा वही था पलायन, क्योंकि आप देखेंगे बिलाल पहाड़ों पे अगर हम जाकर देखें, गांव में अगर जाकर देखें, तो वहां पर जो घर है खाली पड़े हैं, वीरान पड़े हुए हैं, अगर रह गए हैं तो कुछ बुजुर्ग, जो बुजुर्ग वहां पर हैं और जो उनके जो युवा हैं वो योजराज की तलाश में देश के कोनों कोनों में और यहाँ तक कि विदेशों तक जा रखे हैं। रोजगार नहीं है, आप अगर ऊपर की बात करेंगे, सड़कें नहीं है। आपने अगर, हमने बिलाल, हमने पहले भी ये बात कही थी, अगर हम विपिन रावत की बात करेंगे, विपिन रावत का अगर हम घर देखेंगे तो वहां पर भी उसके घर तक जाने के लिए पगडंडियों की जरूरत पड़ी थी। देखिए आप जो शहीद हुए हमारे देश के लिए जनरल CDS जो विपिन रावत थे, उनका गांव का अगर हम पुस्तानी उनका घर देखें तो उनके घर पे जाने के लिए भी पगडंडियों पर जाना पड़ता था। तो इस तरह का विकास यहाँ पर आप 20 साल में देख सकते हैं और 20 साल में यहाँ की सरकारों ने सिर्फ उत्तराखंड को कर्जे में डुबाया है, सिर्फ कर्जा ही उत्तराखंड के लिए बचा है, इसके अलावा यहाँ कोई विकास नहीं हो पाया है कि जनता भी जानती है। और पलायन यहाँ का सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। देखिए बिलाल, सबसे बड़ी बात यह है, 20-21 साल हो गए सरकारें आई, कांग्रेस ने 10 साल करा और राज, और 10 साल भाजपा ने राज करा, पर पलायन का मुद्दा कभी नहीं हट पाया। यहाँ लोगों को रोजगार नहीं मिल पाया, नीतियां नहीं बन पाई, अगर नीतियां बनी है तो वो धरातल पे नहीं उतर पाई। तो कहीं ना कहीं जनता बिल्कुल साइलेंट मोड में है, अब वो चाहती है कि परिवर्तन हो। इस चीज का फायदा देखिए बिलाल, ये भी बहुत बड़ी अजीब बात हम देखेंगे, अगर हम राजनीति की बात करें उत्तराखंड की राजनीति की, तो देखिए व्यक्ति वही रहते हैं बिलाल, पार्टियां चेंज होती है। जैसी विधानसभा चुनाव आया तो भाजपा में शामिल हो गए, अब ये सब लोग अब भाजपा में थे पहले, अब जैसी चुनाव आया तो कांग्रेस में शामिल हो गए। तो आप देखेंगे तो दोनों जो पार्टियां हैं व्यक्ति वही है, सिर्फ समय आने पर पार्टियां चेंज हो जाती है और इसलिए उत्तराखंड का विकास भी नहीं हो पाता है। इसलिए लोग करें तो क्या करें, अगर हम देखें तो जो आम आदमी पार्टी है जिसमें कुछ नया कुछ परिवर्तन हुआ है, तो कहीं ना कहीं कुछ सुटे उसकी अगर निकल करके आ जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं कि बदलाव हो, बिल्कुल है, क्योंकि बिल्कुल ये सही बात है मनीष, इस बार जो है ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड की जनता को मिला है और अब ये देखना भी होगा कि आखिरकार जो है आम आदमी पार्टी जनता को भुनाने में यहाँ पर कितनी कामयाब होगी। ये बड़ा अहम सवाल है और ये आने वाला कल ही बताया गया यहाँ पर कि आखिरकार कितना वर्चस्व रहा है आम आदमी पार्टी का। धर्मराज, आपको क्या लगता है कि अगर यहाँ पर इस पूरे जो है भाद्रपद विधानसभा की यहाँ पर बात की जाए, आम आदमी पार्टी का क्या कुछ वर्चस्व है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी जिस तरीके से मैदान में उतरी, इससे यहाँ पर बीजेपी कांग्रेस को कितना नुकसान हो सकता है? अगर सर बात करें आम और 1 लाख वैकेंसी देंगे, इसी आधार पर वो वोट तक ऐसे मिलते हैं जिनपे कहीं ना कहीं अपनी वोट निकालने में क्षमता रख सकती है। और क्योंकि अगर बात करें अगर आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का वोटर्स है वो साइलेंट है, कहीं ना कहीं
क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा बनता है बेरोजगारी का, कहीं ना कहीं हर कोई बदलाव जाता है, इसलिए हर किसी का आम आदमी पार्टी का जो वोट है साइलेंट है। जी बिल्कुल, और अब देखना भी होगा कि आखिरकार जो वोटर से खुलकर सामने नहीं आ रहा है तो उसके वजह से यहाँ पर किस पार्टी को नुकसान हो सकता है और किस पार्टी को यहाँ पर उसका फायदा होगा। अब मनीष, जिस तरीके से उत्तराखंड में एक के बाद एक कांग्रेस और बीजेपी की सरकार बनती रही है, पलायन, विकास और रोजगार हर एक पार्टी का मुद्दा रहा है और हर एक पार्टी ने इस पूरे मुद्दे को भुनाने की भी यहाँ पर कोशिश की है, लेकिन जिस तरीके से आपने अभी बताया भी हमारे दर्शकों को विस्तार से, आम आदमी पार्टी दिल्ली से चलकर उत्तराखंड में यहाँ पर पहुंची है, तो क्या लगता है आपको कितना प्रभावित किया होगा उत्तराखंड की जनता को आम आदमी पार्टी ने, और पूरे उत्तराखंड में कितनी सीटें आ सकती हैं, और आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में आने के बाद बीजेपी या फिर कांग्रेस को उसका सीधा नुकसान होगा? देखिए बिलाल, सीधी सी बात करें कि अगर आम आदमी पार्टी भी जिस तरीके से एंटर हुई है उसका नुकसान सीधा सीधा भाजपा को होगा। देखिए भाजपा की ही पहली सीटें ज्यादा थी, तो जो सीटें निकलेगी वो ज्यादातर भाजपा की निकाल के लेके जाएंगी आम आदमी पार्टी। पर अगर हम बात करें जिस तरीके से दिल्ली की नीतियां हैं, जो मॉडल है, अरविंद केजरीवाल भी यहाँ पर उत्तराखंड के दौरे पे आए, मनीष सिसोदिया यहाँ पर रहे, तो पहली बार आम आदमी पार्टी यहाँ पर उत्तराखंड के जो विधानसभा चुनाव है उसमें सेंध मार रही है, तो कहीं ना कहीं कुछ सीटें निकल करके आएंगी। पर अगर हम बात करें कि ज्यादा कुछ निकल करके आए, हाँ ये है कि वोट परसेंटेज उनका ज्यादा निकल करके आएगा, वोट परसेंटेज उनका अच्छा रहेगा, जिस तरीके से जो, क्योंकि पहला उनका पहला मौका है, तो इस मौके में भी अगर वो कुछ सीटें निकाल लें तो ये बहुत बड़ी बात है। तो देखा जाए तो आने वाले समय में उनको एक बेस बन जाएगा, एक आधार मिल जाएगा उत्तराखंड के अंदर, जैसे और राज्यों में भी देखा होगा बिलाल, जैसे दिल्ली की बात करें, पंजाब की बात करें, तो जब पहला अटैम्प करा उन्होंने तो उसमें ज्यादा सीटें निकल करके नहीं है, तो उसके बाद वो अपनी पकड़ बनाते चले गए। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी इस तरह का बदलाव अगर भविष्य में हम अगर देखें तो देखने को मिल सकता है बिलाल, क्योंकि कुछ सीटें ही निकल करके आने की संभावना है। देखिए अगर हम माने तो हो सकता है बिलाल कि जो ये सीट है, जो उत्तराखंड है, इसमें किसी को मोहब्बत ना मिले। हो सकता है कि अगर हम बात करें, कुछ सर्वे थे, पहले भी सर्वे चल रहे थे तो उसमें भी ये बात कही गई थी, तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि किसी को मोहब्बत ना मिले। भाजपा थी तो कहीं ना कहीं जनता क्या कर रही थी, एक पांच साल कांग्रेस को चुन रही थी, पांच साल आम और भाजपा को चुन रही थी, पर इस समय एक तीसरा विकल्प भी लोगों को मिला है, आम आदमी पार्टी। पर इतना अच्छा परफॉर्मेंस ना कर पाए, पर कहीं ना कहीं इनकी जो स्थिति है, जो आधार है, मजबूत होता हुआ इस विधानसभा में नजर आएगा बिलाल। बिल्कुल, और बड़ा दिलचस्प मुकाबला भी इस बार है, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से चलकर पूरा दमखम दिखा रही है, अब देखना यह भी होगा यहाँ पर कि आखिरकार जनता का समर्थन यहाँ पर हासिल करने में कितनी कामयाबी आम आदमी पार्टी को मिलेगी, या फिर कांग्रेस फिर से वही इतिहास को दोहराते हुए सत्ता पर काबिज हो जाएगी। धर्मराज, आपसे मेरा एक और आखिरी सवाल है, कितना जो है रुझान और कितना उत्साह बहादुराबाद की विधानसभा क्षेत्र में यहाँ पर जनता में देखा जा रहा है, और खासकर युवा वर्ग की बात की जाए, किस तरह का जुनून है इस पूरे जो है चुनाव को लेकर, और कितना अभी तक रुझान देखा गया है इस पूरे चुनाव में जो अभी तक जो है मतदान हुआ है? कहीं ना कहीं हर तरह का युवा मतदान करने के लिए उत्सुक है, और हमारे साथ इस समय युवा मौजूद भी आई है, उनसे भी जानी है किस तरह से वो युवा लिखे और किस तरह की बात करिए, उनको भी वो चेंजेस देख सकते हैं, और किस तरह उनसे भी बात करेंगे क्या वो कहीं ना कहीं कितनी यूनिवर्सिटी है उनसे भी जानते हैं युवा का क्या रुझान लगता है। अब उनसे बात कर मोनी जी, आप क्या देखते हैं कि फिर बढ़ करके युवा युवा यहाँ पे जो वोट कर रहे हैं किस तरह से देखते हैं? देखिए अगर विधानसभा की बात करें तो यहाँ पे केवल यहाँ पे आपको कांग्रेस मिल रहा है, कांग्रेस के चुनाव यहाँ पे जगह, तो क्या युवा बढ़ करके हिस्सा ले रही है युवा की बता दी मैं महसूस किया था अगर हम बात करें आपसे हमारे साथ और भी बिल्कुल, युवा बिल्कुल। उनसे भी जानते हैं किस तरह का युवा ये है, उनसे भी जानना चाहेंगे हम बेहतर के हिस्सा ले रहे हैं और किस तरह का देखते हैं किस तरह का इस बार समय आ सकता है।
कमल जी, आपको क्या लगता है कि इस बार जो आने वाला 10 तारीख है चुनाव की पोलिंग होने वाली, उसके बाद किस तरह से आप देखते हैं कौन आ सकता है? कहीं ना कहीं, और बिलाल जी अगर हम बात करें, कहीं ना कहीं कोई कांग्रेस को विदाउट कर रहा है, कोई सत्ता का विदाउट कर रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। कहीं ना कहीं आप कह रहे कांग्रेस आई के अगर बेरोजगारी की बात करें तो किसकी आवाज का सुधार करेगी और किसी का नहीं है बिल्कुल राहुल, बिल्कुल जनता है और जनता जनार्दन है और सबके अपने अपने मुद्दे हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, आप अपनी बात पूरी कीजिए धर्मराज जी। अगर हम बात करें, हम मुद्दों की बात करें, कोई कांग्रेस को लेकर चल रहा है, कोई बसपा को लेकर चल रहा है, कोई आम आदमी पार्टी को लेकर चल रहा है, क्योंकि सबके अपने मुद्दे हैं और अपना मतदान, अपना सबका अपना मतदान होता है, वो किसी भी निर्णय ले सकती है। लेकिन इतना ये हुआ कि आने वाली 10 तारीख जो आने वाली 10 तारीख के 10 मार्च को जो इसके इसके झोली में जाती है, ये सबसे बड़ा मैं बिल्कुल ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। बिल्कुल धर्मराज। मनीष आपसे मेरा एक और आखिरी सवाल है, अगर बीजेपी को यहाँ पर नुकसान होता है तो वो कौन सी कमी रही होगी या फिर वो कौन सा मुद्दा रहा हो जो बीजेपी यहाँ पर नहीं बना पाई, और अगर कांग्रेस को फायदा हो रहा है इस पूरे चुनाव में, कौन सा मुद्दा जो कांग्रेस ने यहाँ पर उठाया उसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिला और बीजेपी को? बिलाल आप मेरी आवाज मिल पा रही है? जी 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 बिलाल, बिलाल अगर हम बात करें, देखिए ये हमेशा रहा है उत्तराखंड की जो राजनीति में हमेशा रहा है कि जब 5 साल सरकार भाजपा की रहती है तो उसमें कोई काम नहीं हो पाते, जनता असंतुष्ट नजर आती है, तो वो क्या करती है 5 साल के बाद कांग्रेस को चुनती है, और जब कांग्रेस की सरकार आती है उसमें कोई जब काम नहीं हो पाते हैं तो फिर वो भाजपा को चुनती है। तो उत्तराखंड के अंदर 20 साल से यही हो रहा है कि एक बार कांग्रेस और एक बार भाजपा, पर जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने इस बार सेंध लगाई है तो कहीं ना कहीं ना तो भाजपा के लिए आसान रहा है ये, और ना ही ये कांग्रेस के लिए आसान रहा है, क्योंकि भाजपा की ये पहले दावे कर रही थी कि इस बार हम रिपीट करेंगे, बिल्कुल, ये चीज़। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं किसी के लिए आसान नहीं है ये, ना तो कांग्रेस के लिए इस बार आसान नजर आ रही है ना ये भाजपा के लिए, क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने सेंध मारी है तो कुछ ना कुछ सीटें बिलाल वो निकाल के ले जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे कि उसमें जो बहुमत अगर हम देखें तो अगर माने तो हो सकता है कि बहुमत न प्राप्त हो पाए, किसी को भी बहुमत प्राप्त ना हो जाए तो हो सकता है कि आगे किसी की मिल करके सरकार बने, तो ये भी परिस्थितियां उत्तराखंड के अंदर बन रही है, क्योंकि अगर हम बाने बिलाल, क्योंकि विकल्प नहीं था पहले लोगों के पास, अब विकल्प मिल गया है, विकल्प तीसरी पार्टी आई है, तो कहीं ना कहीं लोगों का हो सकता है कि रुझान कम हो उसकी तरफ, तो कहीं ना कहीं कुछ सीटें निकलेगी आम आदमी पार्टी की, तो इसलिए जो समीकरण है वो अलग त्रिकोणीय समीकरण यहाँ पर बन सकती है और इसका नुकसान भाजपा और कांग्रेस दोनों को उठाने को मिलेगा। तो आप भी देखिए कि जो 10 तारीख है, 10 मार्च है, उसमें ये सब चीजें साफ हो जाएगी, क्लियर हो जाएगी कि उत्तराखंड। बिल्कुल मनीष, अब 10 मार्च का हम सबको इंतजार करना होगा और देखना होगा कि सरकार यहाँ पर कौन सी पार्टी जनता का समर्थन हासिल करने में यहाँ पर कामयाब हो पाई है, और क्या कुछ मुद्दे भार रहे और किन मुद्दों का यहाँ पर बीजेपी को नफा या फिर नुकसान हुआ है, और ऐसा वो कौन सा मुद्दा रहा होगा, और देखना होगा कि 10 आने वाली तारीख को यहाँ पर कि आखिरकार कांग्रेस को सीधा फायदा यहाँ पर मिला है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही, नमस्कार।